हेलो हॉरर मूवी फैंस, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करूंगी उसका नाम है द केबिन इन द वुड। ये मूवी 2011 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर हैं ड्रू गोडार्ड। अगर आईएमडीबी की बात करें तो वो है 7 out of 10, जो मेरे हिसाब से बढ़िया है। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सप्लेनेशन। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक अंडरग्राउंड लैब में इंजीनियर गैरी और उसके साथ ही स्टीव को दिखाया जाता है, जो किसी ग्रुप प्रोजेक्ट के मल्टीपल फेलियर के बारे में बात कर रहे होते हैं। वे कहते हैं ये सेम प्रोजेक्ट दुनिया में कई जगह पर किए जा रहे थे, बट वो फेल हो गए हैं। अब बस बचे हैं दो जगह, जापान और ये बीस, जो कि अमेरिका में स्थित है। और ये प्रोजेक्ट एटलीस्ट एक जगह सक्सेसफुल होना ही चाहिए। अब ये प्रोजेक्ट क्या है और क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में हम व्यूअर्स को आगे पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें अमेरिकन कॉलेज स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है, जिसमें डायना, जूल्स, उसका बॉयफ्रेंड कर्ट, मार्टी और होल्डन होते हैं। ये सब के सब एक कैबिन में अपना वीकेंड बिताने के लिए जा रहे हैं, जो घने जंगल के बीच में है। ये कैबिन मार्टी के कज़िन ने रिसेंटली परचेस किया होता है। जब ये लोग उस कैबिन के लिए निकलते हैं, तब हम टैना के अपार्टमेंट के छत पर एक आदमी को देखते हैं, जो उनकी जाने की खबर किसी को देता है। सीन से हमें पता लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। अब ये अपने सफ़र से आगे बढ़ते हुए एक गैस स्टेशन पर आके रुकते हैं। वहाँ एक आदमी होता है और उसका बिहेवियर बहुत ही अजीब होता है। वो उनको गैस स्टेशन से गैस नहीं लेने देता और उनसे बड़ी रूडली बात करता है। वो लोग उससे कैबिन का पता पूछकर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी एक टनल से गुजरती है, जो इस जंगल में आने जाने का एक ही रास्ता है। वही हमें एक चील दिखाई जाती है, जो आसपास उड़ रही थी। अचानक वो एक इनविजिबल दीवार से टकरा कर मर जाती है। अब ये पांचों फाइनली उस जंगल के बीचों बीच बने केबिन तक पहुंच जाते हैं, जो काफ़ी डरावना लग रहा था। ये सबके सब केबिन के अंदर चले जाते हैं। जब होल्डन अपने कमरे में पहुंचता है, उसे वहाँ एक डरावनी पेंटिंग दिखती है, जिसे हटाते ही उसको एक वन साइडेड मिरर दिखता है, जिसकी दूसरी तरफ डैना खड़ी होती है। डैना तो उसको नहीं देखती, बट ये डैना को देख सकता है। होल्डन ये बात फौरन ही डैना को बता देता है और वो दोनों रूम्स एक्सचेंज कर लेते हैं। डैना फिर से उस पेंटिंग को उसी जगह लगा कर उसे कपड़े से ढक देती है। नेक्स्ट सीन में हमें उसी लैब को दिखाया जाता है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। वहाँ स्टीव और गैरी कैमरा और माइक्रोफोन की मदद से ना कि सिर्फ केबिन के अंदर बल्कि पूरे एरिया को क्लियरली अपने मॉनिटर पे देख सकते हैं। इस सीन से हमें पता चलता है कि इन पांचों को यहाँ किसी साजिश की तरह इस केबिन में लाया गया है और ये सारा सेटअप उसी सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए किया गया है। वही लैब में हम देखते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोगों को इस बात पे शर्त लगाते हुए कि इन पांचों की मौत कैसे होगी। वेटिंग विंडो क्लोज होते ही स्टीव कहता है, लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड। सीन चेंज होकर वापस उस केबिन में आता है। वहाँ ये पांचों आपस में ट्रूथ और डेयर खेल रहे होते हैं। तभी उस केबिन के बेसमेंट में जाने वाला डोर अपने आप ही खुल जाता है, जिसे देख कर ये पांचों डर जाते हैं, बट स्टिल वो उस केबिन के बेसमेंट में जाते हैं। नीचे जाते ही उन्हें बहुत अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं। तभी डैना को वहाँ एक डायरी मिलती है, जो एना नाम के एक बच्चे की होती है। डैना उस डायरी को पढ़ना शुरू करती है। उसमें एना ने लिखा था कि उसके पिता और भाई उसे और उसकी माँ को बहुत टॉर्चर किया करते थे, जिसकी वजह से उसकी माँ की मृत्यु हो गई और एना ने अपना एक हाथ खो दिया। और उस डायरी में ये भी लिखा गया था कि अगर कोई इंसान इस डायरी में लिखे गए मंत्र को पढ़ेगा, तो एना और उसका परिवार फिर से ज़िंदा हो जाएगा और उन सबको मार देगा जिन्होंने इस मंत्र को पढ़ा है। ये सब सुनकर मार्टी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो डैना को उस मंत्र को पढ़ने से मना करता है। बट बाकी चारों को ये अंधविश्वास लगता है और वो इस फिजूल की बातों पर विश्वास नहीं करते, इसलिए डैना उस लैटिन मंत्र को पढ़ने लगती है। मंत्रों को पढ़ते ही केबिन के बाहर हम एना और उसके परिवार को जिंदा होते देखते हैं और वो लोग जॉम्बी थे। ये सारे जॉम्बीज केबिन की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ लैब की सीन आती है, जहां मेंटेनेंस टीम ने बेट जीत ली है क्योंकि उन्होंने जॉम्बीज पे बेट लगाई थी। गैरी एक व्हाइट बोर्ड के पास आता है, जहां बहुत सारे डीमंस के ऑप्शन लिखे हुए होते हैं।
और यहाँ हमें पता चलता है कि ये सारे मॉन्स्टर्स ओल्ड वर्ल्ड से है, और ये पांचों के एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि इनके सामने कौन से खतरे आएंगे और उन्हें मारने के लिए कौन से ऑप्शंस का यूज़ किया जाएगा। जैसे मंत्र को पढ़कर उन्होंने ज़ॉम्बिस को एक्टिवेट किया है, अब उनका सामना ज़ॉम्बिस से होगा। वही केबिन के अंदर दिखाया जाता है कि कर्ट और जूल्स केबिन से बाहर निकलकर जंगल में जाते हैं। तभी बेस लैब से स्टीव और गैरी उस एरिया में फेरोमोन्स छोड़ देते हैं, जिससे इन दोनों की सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ जाती है। ऐसा होते ही दोनों फिजिकली इंटीमेट होते हैं। तभी वहाँ ज़ॉम्बिस आकर जूल्स का सर काट कर उसे मार देते हैं। कर्ट किसी तरह से बचकर केबिन में वापस आता है और सबको बताता है कि ज़ॉम्बिस ने जूल्स को मार दिया है। ये सब सुनकर सब डर जाते हैं और जल्द से जल्द वहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं। केबिन के डोर पर नॉक होती है। बाकी सब के मना करने पर भी डायना डोर खोलती है। तब हम देखते हैं एक ज़ॉम्बी को जो जूल्स का सर डायना पर फेंक देता है, इससे पहले कि वो ज़ॉम्बी इन पर अटैक करे। ये सब मिलकर उस डोर को लॉक कर देते हैं। कर्ट कहता है कि अब वो एक साथ रहेंगे और सारे डोर्स और विंडोज़ को सील कर देंगे। दूसरी तरफ इनकी आइडिया को सुनकर स्टीव और गैरी परेशान होते हैं, क्योंकि इस आइडिया से इन पांचों के सरवाइव करने के चांसेस ज़्यादा थे। इसलिए स्टीव इस घर में एक केमिकल रिलीज़ करता है, जिसे इनहेल करते ही कर्ट अपने ही आइडिया को चेंज करके सबको स्प्लिट होने के लिए बोलता है। सब अपने अपने कमरे में जाते ही सारे कमरों का डोर लॉक हो जाता है। तभी मार्टी को अपने रूम में छुपाए गए कैमरास माइक्रोफोन्स दिख जाते हैं। मार्टी समझ जाता है कि कोई इस जगह को टेक्निकली कंट्रोल करके उन पर नज़र रख रहा है। लेकिन इससे पहले कि ये वो सबको बताए, एक ज़ॉम्बी मार्टी को विंडो से खींचकर अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें अंडरग्राउंड लैब दिखाया जाता है। वहाँ स्टीव और गैरी परेशान होते हैं, क्योंकि उनका सेम प्रोजेक्ट जो जापान के स्कूल में चल रहा था अब फेल हो चुका है। फुटेज में हम देखते हैं एक इविल स्पिरिट को जो उन स्कूल की लड़कियों को डरा रहा था। उन सारी लड़कियों ने मिलकर उस इविल स्पिरिट को मंत्र की मदद से मेंढक के शरीर में कैद कर लिया था। इसका मतलब अब सब कुछ डिपेंडेंट था इस अमेरिकन प्रोजेक्ट पे, बिकॉज दुनिया के बाकी सारे प्रोजेक्ट अब फेल हो चुके हैं। फिर हम देखते हैं ये तीनों केबिन को छोड़कर अपनी वैन से यहाँ से निकल जाते हैं। इससे पहले कि ये उस टनल को पार कर पाए, गैरी जो ये सब कैमरा में देख रहा होता है, वो टनल में ब्लास्ट करके टनल का डोर बंद कर देता है। अब क्योंकि वे टनल क्रॉस नहीं कर सकते, कर्ट डिसाइड करता है कि वो बाइक की मदद से बीच की खाई को पार करके बाकी दोनों के लिए हेल्प लाएगा। बट जैसे ही कर्ट बाइक लेके जंप करता है, वो उसी इनविजिबल दीवार से टकरा जाता है जिससे वो चील टकराई थी। इस एक्सीडेंट से कर्ट की भी मौत हो जाती है। ये देखकर दोनों बहुत ही टूट जाते हैं और वहाँ से दूसरे रास्ते की खोज में निकल जाते हैं, जिससे वो यहाँ से निकल पाए। लेकिन अचानक होल्डन पे एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, जिससे वैन का बैलेंस बिगड़कर गाड़ी लेक में गिर जाती है। डायना किसी तरह उस ज़ॉम्बी से बचकर उस लेक से निकल आती है। तभी वो मार्टी को वहाँ देखती है और हमें पता चलता है कि वो भी अभी ज़िंदा है। बट इसकी खबर उस स्पेस लैब के लोगों को नहीं थी। वो सब लोग पार्टी कर रहे थे, क्योंकि अब बस डायना ही बची थी और उसे कोई ना कोई तो मार ही देगा और उनका प्रोजेक्ट जल्द ही सक्सेसफुल होगा। तभी स्टीव को एक कॉल आता है और उनको पता चलता है कि मार्टी भी अभी ज़िंदा है। दूसरी तरफ मार्टी डायना को बचाकर एक हिडन एलिवेटर के अंदर ले जाता है और उसे सारी बातें बता देता है। वो दोनों उसी एलिवेटर का यूज़ करके उस अंडरग्राउंड लैब में आते हैं। नीचे आते वक्त उन्हें कई अजीब अजीब मॉन्स्टर दिखाई देते हैं, जिनको वहाँ पे कैद कर रखा था। जैसे मंत्रों से उन्होंने ज़ॉम्बीज़ को एक्टिवेट किया, वैसे ही उनके अलग अलग एक्टिविटीज़ के हिसाब से यहाँ से कई दूसरे मॉन्स्टर को उन्हें मारने के लिए भेजा जाता। लैब के लोगों को पता चलता है कि डायना और मार्टी अंडरग्राउंड लैब में पहुँच चुके हैं, तो एक सिक्योरिटी गार्ड गन पॉइंट पर उन दोनों को वहाँ से निकलने को कहता है। बट वो दोनों उसको मारकर उसकी गन लेकर भागते हैं।
तभी उनको प्रोजेक्ट के डायरेक्टर की अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि इंसानियत को बचाने के लिए उन्हें अपने आप को सेक्रीफाइस करना होगा। वो दोनों एक केबिन में छुप जाते हैं और ये देखते हैं कि वो यहाँ का कंट्रोल रूम है। यहाँ बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स इनको मारने के लिए आ जाते हैं। तभी डायना एक लाल रंग का बटन दबाती है जिससे इस बेसमेंट में कैद सारे मॉन्स्टर आज़ाद हो जाते हैं और यहाँ काम करने वाले सारे लोगों पर हमला कर देते हैं। इस हमले में तकरीबन सारे लोग मर जाते हैं। हम देखते हैं इस हमले में स्टीव भी मारा गया है। गैरी यहाँ से बचने की कोशिश करता है पर डायना और मार्टी उस तक पहुँच जाते हैं। डायना उसके सीने में चाकू घुसा कर उसे मार देती है। इसके बाद डायना और मार्टी इस बेसमेंट में और नीचे जाते हैं। वहाँ वो एक बहुत पुराना मंदिर देखते हैं। वहाँ 5 पत्थरों पर इंसानों की फिगर बनाई गई थी जिसमें से हर एक फिगर इन 5 दोस्तों को रिप्रेजेंट करती है। उन 5 में से 4 फिगर लाल होती है जिसका मतलब वो 4 लोगों की मौत हो चुकी है और वो लाल चीज़ उन्हीं 4 लोगों का खून होता है जो एज अ सेक्रीफाइस यूज़ होगा। तभी उस प्रोजेक्ट की डायरेक्टर वहाँ आती है और यहाँ हमें मार्टी और डायना को इस पूरे प्रोजेक्ट का राज पता चलेगा। वो कहती है ज़मीन की गहराइयों में एंशिएंट गॉड रहते हैं जिन्हें हर साल 5 ऑफरिंग चाहिए। इसीलिए दुनिया में अलग अलग जगह ये प्रोजेक्ट किए जाते हैं जहाँ 5 लोगों को सेक्रीफाइस किया जाता है एज अ ऑफरिंग टू एंशिएंट गॉड। और अगर उनको अपनी ऑफरिंग नहीं मिली तो ये इविल जॉइंट गॉड ज़मीन पर आ जाएंगे और हम इंसानों पर हमला कर देंगे जिससे पूरी ह्यूमैनिटी तबाह हो जाएगी। डायरेक्टर उन्हें समझाती है कि बाकी सारे प्रोजेक्ट्स फेल हो चुके हैं तो अभी सबकी उम्मीद इस प्रोजेक्ट से है। अगर वो दोनों खुद को सेक्रीफाइस कर दे तो हम ह्यूमैनिटी को बचा सकते हैं। उसकी बातों से इन्फ्लुएंस होकर डायना मार्टी को मारने को तैयार हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे वेयरवुल्फ आता है जो डायना पर हमला कर देता है। मार्टी गन उठाकर वेयरवुल्फ पे गोलियां चला देता है जिससे वो वेयरवुल्फ वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद डायरेक्टर और मार्टी के बीच में लड़ाई होती है। तभी एना की जॉम्बी आकर डायरेक्टर पर हमला कर देती है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर मार्टी उन दोनों को नीचे अंडरवर्ल्ड में गिरा देता है। अब बस मार्टी और डायना ही बचे थे। डायना मार्टी से माफ़ी मांगती है कि उसने उसे मारने की कोशिश की। वो दोनों वहाँ बैठकर सिगरेट पीते हैं बिकॉज उनके हिसाब से ऐसी दुनिया को बचाने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर उस मंदिर की ज़मीन खिसकने लगती है और ज़मीन के अंदर से एक बहुत बड़ा हाथ निकलता है जिससे वह टेंपल और पूरी की पूरी लैब तबाह हो जाती है। इससे हम व्यूअर्स को पता चलता है कि एंशिएंट इविल गॉड अब ऊपर आ चुके हैं और वो सारी ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर देंगे और मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। ये केबिन्स इन द वुड मूवी की कहानी जो पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसका कंसेप्ट बहुत ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग है। मूवी का नाम सुन के मुझे लगा था शायद कुछ फ्रेंड्स एक सुनसान केबिन में जाएंगे और उनके साथ होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को इस मूवी में दिखाया जाएगा, बट मूवी का कंसेप्ट इससे बहुत ही डिफरेंट निकला। मूवी डरावनी तो नहीं है बट इसका कंसेप्ट काफ़ी हटके है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी आप इस मूवी को ज़रूर एक बार देखना। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मुझे खुशी और मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।